तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। वैसे आप इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे देख चुके होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हट के है क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ एल्गोरिथम समझाने वाला हूँ यूट्यूब के, जिससे आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हो, अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। और आप यकीन मानो, मेरा करीब पिछले महीने में 1 लाख व्यूज आया था, इतना इनएक्टिव होने के बावजूद भी। अब क्यों आया, मैं आपको यही सब चीज़ें इस वीडियो में समझाऊँगा। कैसे क्या करना है आपको, अपने चैनल के साथ क्या करना है, आप किस तरह से वीडियो अपलोड कर सकते हो, कितने बजे आप वीडियो अपलोड करोगे ताकि आपकी वीडियो वायरल हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो बनाया, एडिट किया और आप जब भी मर्जी डाल दिए, तो ऐसे वीडियो वायरल नहीं होता है। थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है तब जाके वीडियो वायरल होती है या फिर अपना चैनल ग्रो होता है। और आप देख ही रहे हो, मेरा चैनल पिछले महीने में करीब 1000 सब्सक्राइबर हमने गेन किए। ये मतलब बहुत पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि एक दिन में इतने सब्सक्राइबर आते थे जब मैं कंटिन्यू एक्टिव रहता था, लेकिन बीच में जब मैं वीडियो बनाना छोड़ दिया 7-8 महीने, तो उससे आप जानते हो कि चैनल पर कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर मैंने दोबारा से रीस्टेब्लिश किया और अपने आप को दोबारा से रीबूट किया। मैं सोचा फिर पहले जैसा ही काम करता हूँ, वो वर्क किया और मैं अभी भी कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि दोबारा से स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसी चैनल पर। अगर मैं नया चैनल स्टार्ट करता तो अब तक मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाते, लेकिन मैं सोचा कि जो मेरे पुराने व्यूअर हैं वो फिर से निकल जाएंगे और इस चैनल पे अच्छे खासे लोग हैं, तो मैं सोचा इसी को दोबारा से चलाता हूँ। लेकिन अगर आप चैनल बनाना चाहते हो तो आप अभी बना लो और वीडियो अपलोड करो, कंटिन्यू अपलोड करो। और किस तरह से करना है मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझा देता हूँ। तो मैं हूँ फरोज रब्बानी, आप देख रहे हैं टेक्निकल रब्बानी। सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और दबाइए इस घंटे को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने पहले आपसे यही चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ, हो सकता है आप मिस कर दो और बाद में आप बोलोगे कि आपने ऐसा समझाया नहीं, मेरे वीडियो वायरल ही नहीं हुए। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे होंगे जो कि एक एक दिन में आपको 1-1 लाख व्यूज़ दे देते हैं, सारे थंबनेल फेक होते हैं, सारी चीज़ें वही होती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि क्या करना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल हम देखते हैं जिसमें थंबनेल में दिया होगा कि 1 दिन में 1000 सब्सक्राइबर, 1 दिन में 4000 वॉच टाइम, लेकिन ये सब होता नहीं है। आपने देखा होगा, वीडियो देखते होगे, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको फेक जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें लाइव दिखाऊंगा, लाइव डेमो दिखाऊंगा अपने चैनल का कि किस तरह से यूट्यूब आपको खुद समझाता है कि कब वीडियो अपलोड करना चाहिए, किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए, कब क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आपको आपके चैनल में दिखा देता है, बस आपको उसे समझने की देरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे YouTube स्टूडियो में क्रोम के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे करंट जो है एनालिटिक्स यहाँ पे दिखा रहा है 11619 सब्सक्राइबर हैं, लास्ट के 911 सब्सक्राइबर 28 दिन में आए हैं। और यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट एनालिटिक्स में अपने, और वहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ये है 28 दिन का, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं, अप्रैल कर लेते हैं क्योंकि हम अप्रैल की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो अप्रैल में मेरे आए हैं 91,000 के ऊपर व्यूज़, और यहाँ पे आप देख सकते हो करीब $32 अर्निंग हुई है 1000, इस पर 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी आए हैं, और जिसमें 3100 घंटे का वॉच टाइम भी आया है, मतलब बहुत ही अच्छा गया है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो जब हम नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो जो हमारी वीडियो वायरल चल रही है, यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें देख सकते हो। लेकिन अगर हम रीच में जाएं तो ये देखो इम्प्रेशन आया था इतना, और यहाँ पे देखो 6.5 क्लिक हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज़, ट्रैफिक जो है यूट्यूब पे करीब 70% यूट्यूब पे ट्रैफिक मेरा वीडियो चला है। ठीक है, देखो जिसमें 38% रिकमेंडेड से मेरे चैनल पे व्यूज आए हैं। और इंगेजमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 मिनट एवरेज व्यूज आया है मेरी सभी वीडियो मिला के, क्योंकि वीडियो वो छोटी थी तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मिनट नहीं हुआ है, वो वीडियो छोटी थी, वायरल हुई थी करीब 4-5 मिनट की वीडियो थी, इसलिए 2 मिनट बहुत ही अच्छा व्यूज आया है। यहाँ पे ऑडियंस की बात करें तो देखो, ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हो सब्सक्राइब बेल आइकन का जो है, यहाँ पे देखो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो
ये ब्लू कलर के आप यहाँ पे डॉट देख सकते हो, लाइन कहीं पे बहुत ज़्यादा डार्क ब्लू है तो कहीं पे लाइट है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि कब कब आपके जो व्यूअर हैं ज़्यादा एक्टिव हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हमने जो वीडियो डाला था, कुछ कुछ वीडियो हमने 2 बजे के टाइम में डाला था इंडिया से, और कुछ कुछ हमने यहाँ पे 7 बजे के टाइम में इंडिया के टाइम के हिसाब से अपलोड किया। तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है वेरी मेनी ऑफ योर व्यूअर्स आर ऑन YouTube। तो यहाँ पे आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कब कब आपके जो व्यूअर हैं वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिव हैं, उस टाइम पे आप वीडियो अपलोड करोगे तो ज़्यादा व्यूज आएंगे। वैसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका थंबनेल जो है उसमें कम से कम 15-20 मिनट लगाओ और अच्छे से थंबनेल बनाओ, जिससे लोग आपके थंबनेल पे क्लिक करें, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है वो थंबनेल से ही पता लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान दो, और शुरू के स्टार्टिंग में जब आप वीडियो बनाओ तो अपने ऑडियंस को इस तरह से अट्रैक्ट करो, सस्पेंस बना के रखो ताकि वो 2-3 मिनट आपकी वीडियो देखें, जिससे आपकी वीडियो वायरल होएगी। और ज़्यादातर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी यहाँ पे। चलो यहाँ पे आते हैं अपने वीडियो पे, उसके बाद दिखाते हैं। चलो ये रहा हमारा MPL वाला वीडियो, ओपन करते हैं जो वायरल हुआ था। तो ये रहा हमारा MPL वाला वीडियो, और इसमें मैं आपको ओवरव्यू चलो पहले दिखाता हूँ। देखो 2 मिनट 19 सेकंड लोगों ने देखा है, करीब 42% के आसपास लोगों ने व्यूज़, जो एवरेज व्यूज़ निकल के आया है इतने समय तक वीडियो को उन्होंने वॉच किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 35-40% से ऊपर का अगर ऑडियंस रिटेंशन पाते हो, ठीक है, अगर ड्यूरेशन इतनी टाइम तक देखते हैं लोग, तो आपकी वीडियो अच्छी खासी वायरल हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो 91% लोगों ने लाइक किया यूट्यूब पर, 79% लोगों ने YouTube पे हमारा जो वीडियो ट्रैफिक आया यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो यहाँ पे किस तरह से लोगों ने प्यार दिया है वीडियो को, देखो वायरल हुआ है। और ये वीडियो हमने अपलोड किया था करीब 1 साल पहले, देखो 414 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को और अब जाके ये वीडियो वायरल हुई है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हो। और देखो केवल इसी वीडियो से $33 आया है जब से हमने अपलोड किया है, और यहाँ पे 3000 घंटे का वॉच टाइम आया, पूरा 74,000 इस पर व्यूज आया है, 873 सब्सक्राइबर आए हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी वीडियो कभी भी वायरल हो सकती है और आपकी एक ही वीडियो आपको बहुत आगे ले जा सकती है। मतलब सोचो कि करीब 900 सब्सक्राइबर केवल एक ही वीडियो पे आए हैं, और ऐसे ऐसे मेरे वीडियो बहुत सारे हैं जिसमें 5-5 लाख तक के व्यूज आए हैं और एक ही वीडियो से 2-3 हज़ार 4 हज़ार सब्सक्राइबर आ जाते हैं। तो आपको इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए। और इसमें मैं आपको ऑडियंस में अगर जाता हूँ तो दिखाता हूँ तुमको, देखो यहाँ पे देखो जो बिना सब्सक्राइब करे वाले हैं, लगभग 100% मान लो कि जो बिना सब्सक्राइब करे वाले लोग हमारे इस वीडियो को देखें, जिसमें देखो यहाँ पे जिसमें 18 से लेके करीब 35 साल तक के लोगों ने इस वीडियो को वॉच किया, और इंडिया में 98% लोगों ने देखा भी है। देखो कुछ इस तरह से आप इंगेजमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो अच्छी खासी इंगेजमेंट भी आई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, देखो रीच भी देखो यहाँ पे, देखो इम्प्रेशन आया है करीब 998,000, जिसमें 6.8 लोगों ने मतलब परसेंट लोगों ने क्लिक किया है, अच्छी खासी यहाँ पे इस वीडियो ने काम किया है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो को यहाँ से अपने एनालिटिक्स में जाके वायरल करवा सकते हो। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देती हैं, बस आपको समझ नहीं होती। आप देखो हर जगह आपको बताया जाता है कि किस तरह से, देखो व्हाट न्यू स्टूडियो में, देखो यहाँ पे आप जा सकते हो, यहाँ तरह तरह की आइडियाज़ देते रहता है यूट्यूब की, किस तरह से आपको वीडियो बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब जब देखोगे तो समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी रहता है कि आप वीडियो अपलोड करो और तुरंत ही वायरल, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है हर चीज़ को, एक समय होता है हर चीज़ का। आप वीडियो डालते रहोगे तो आपकी वीडियो अपलोड करोगे, अच्छे से वीडियो बनाओगे, बोलने का थोड़ा तरीका रहेगा जिसमें सस्पेंस क्रिएट करोगे, वीडियो अपलोड करोगे, आपकी वीडियो वायरल होगी। उस टाइम भी नहीं होगी तो आपकी वीडियो वायरल बाद में भी हो सकती है, लेकिन आप वीडियो किस कैटेगरी की अपलोड करते हो ये भी मैटर करता है। क्योंकि आप जो एवरग्रीन वीडियो अपलोड करो, जिसकी लोगों को ज़्यादा टाइम तक ज़रूरत होती है, उस चीज़ के ऊपर अगर वीडियो बनाओगे तो आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और मेरी वीडियो जो ज़्यादातर हैं वो एवरग्रीन ही है, मतलब कभी भी किसी को भी उस वीडियो की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैं इस पर काम करता हूँ और ऐसी वीडियो लेके आता हूँ जिससे ज़्यादातर लोगों को आगे तक भी, जैसे 1-2 साल तक भी उस वीडियो को लोग देखें। इस तरह की वीडियो अपलोड करोगे तो आपका चैनल जल्दी ग्रो होगा और अच्छे से ऊपर जाएगा, और आगे तक
काम देगा, आपकी वीडियो उससे बहुत सारा अर्निंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखा किस तरह से YouTube हमें बता देता है सारी चीज़ें कि कब क्या करना चाहिए, कब हमें वीडियो अपलोड करना चाहिए, किस तरह के टाइटल थंबनेल लिखना चाहिए, टैग कैसे लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी वीडियो के लिए। उसके बाद आपका वीडियो उस टाइम पे तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि मेरी जो वीडियो है करीब एक साल के बाद वायरल हुई है, और मेरा बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो कि अब जाके वायरल हो रहा है जो मैंने एक दो साल पहले डाली थी। तो आपको धैर्य रखना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको सब्र रखना है अपने अंदर, और वीडियो आपको अपलोड करने रहना है। आप ये मत सोचो कि आज 20 व्यूज आ रहा है, 50 आ रहा है, बस आपको वॉच टाइम पे ध्यान देना है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को पकड़ के रख सकते हो अपने व्यूअर को। 2 से 3 मिनट अगर आपने अपने वीडियो पे किसी को रख लिया तो आप समझ लो आज नहीं कल नहीं तो कभी ना कभी आपकी वीडियो वायरल होगी और वही वीडियो आपको YouTube पे सक्सेसफुल बना देगी। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देके चलना है कि आज नहीं तो कल आपकी ये वीडियो आपको बहुत ही आगे लेके जाएंगी। तो वीडियो आप अपलोड करते रहो, आप धैर्य रखो, बस यही कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ समझ गए होगे। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। गुड बाय।